बलौदा बाजार जिले में लगातार हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशों पर खनिज विभाग ने सख्ती के साथ पालन करते हुए देर रात को बलदा कछार रेत घाट में दबिश दी गई और जहां से परिवहन में लगे हुए 17 हाईवा सहित एक लोडिंग मशीन की जब्त की, जहां पर जब्त गाड़ियों को खनिज विभाग ने कसडोल पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। दरअसल कलेक्टर बंसल बलौदा बाजार जिले में पदभार ग्रहण करते ही अवैध कामकाज बंद कराने हर विभाग को निर्देशित कर चुके हैं, जिसका सीधा असर देखने को मिल भी रहा है, जहां पर एनजीटी के निर्देशों के अनुसार वर्षा काल में रेत का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। बावजूद इसके रेत माफिया न सिर्फ रात के अंधेरे में बल्कि दिन के उजाले में भी बेखौफ होकर रेत का परिवहन करने से नहीं चूकते। कलेक्टर निर्देश अनुसार खनिज विभाग की टीम ने गोपनीयता से छापेमार कार्रवाई करते हुए मौके पर उपस्थित सभी गाड़ियों को कब्जे में लिया। दरअसल रेत घाट बलदा कछार की सीमा एक तरफ महासमुंद जिले में होने के कारण रेत माफिया रेत महासमुंद जिले से भी परिवहन करते थे, लेकिन इस बार रात के अंधेरे में ही खनिज विभाग की टीम ने महासमुंद जिले में जहां पर तरफ से आते हुए वाहनों को नाकेबंदी कर कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देशानुसार खनिज विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी अगर किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो ज़रूर कार्रवाई की जाएगी महोदय के निर्देशानुसार।